तो कोविड संक्रमण की रफ्तार असम में दिन ब दिन तेज होती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी के रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 1000 बेड्स का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। मैं आज इतने रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी आलोर जी यूनिवर्सिटी नतुन बिल्डिंग बिल्डिंग आम 1000 रोगी थकबरा कोविड केयर सेंटर आम बनाब खुजी आमार विश्वविद्यालय जिसके विशेषको पानसारी डांगरिया और मोदी डांगरिया दुजने आमक बिल्डिंग व्यवहार करमति दी और सरकार मैं इते बिल्डिंग चालूह और एसप्ताह भर इम सजुरी तुल प्राय 1000 रोगी एक लगे थी अर्थात खानापारा जी डांगर आमान इत रोगी थी गति के व्यवस्था तो काम आज आम आरम्भ करोगी थकबरा हम। और इधर वैक्सीन के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कल तक हमारे पास 2,67,000 वैक्सीन मौजूद थी, आज और 5,00,000 वैक्सीन हमें मुहैया कराए गए। उन्होंने साथ ही कहा कि अब तक रोजाना 60,000 से 70,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब रोजाना 1,00,000 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे जुआ काली लेके कोविड वैक्सीन 2,67,000 आसी ले। आज रातिपुआ भारत सरकार आमक 5,00,000 और वैक्सीन आमक पठिया 1,00,000 कोवैक्सीन और 4,00,000 कोविशील्ड। आम एतिया चिंता करिछो जे इमान दिने आम प्रतिदिने 60,000 से 70,000 को वैक्सीनेशन करी आसिलु। एतिया जिहेतु आमार हातत अंतत किछु वैक्सीन मजूद होइसे प्रतिदिने 1,00,000 को आम वैक्सीनेशन करिब पारु निकि तारो एटा प्रचेष्टा आजिर पुरा आरम्भ हब। मैं भाबु जे सेइ धरणे आम कोविडर क्रम विवर्तमान परिवेशर लगत खाप खुवाई आमार व्यवस्था बा आमार वैक्सीनेशने हक कोविड केयर सेंटरे हक आईसीयू हक गुटे बिलाकर क्षेत्र आमी भाल करी आगुआई गईछो आरो जुआकाली कुवार दरे जे अहोम सरकारे सम्पूर्ण सजाग आरो हाजु होई आमी ए व्यवस्था बिलाक करीछो राइजे आतंकित होवार कोनो कारण नाई। उन्होंने संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर कहा कि अगले 15 से 20 दिन तक मरीजों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद यह संख्या घटने लगेगी। लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता, खुद प्रधानमंत्री भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। कार्फडल उलोटा को आहिबर कारण प्राय 15-20 दिन प्रयोजन है जुआ बारर जी अभिज्ञता गति के मैं भाव जो मे माह 15 तारीख पीछत है আমি লাহে লাহে অলপ কমা দেখা পাম। এতিয়া মই আমি যিমানখিনি কৰিবলগীয়া আছিল হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেও হাক দিছে যে লকডাউন দিব নালাগে আৰু যোৱা কালি পৰহি যদি নেচনেল টেলিভিশ্যন বিলাকত আপোনালোকে ডিবেট চায় সকলো এক্সপাৰ্টে কৈছে যে লকডাউনে বিশেষ সহায় নকৰে বুলি।